तो इन बंदों को तो मैंने मार ही लिया था और मैं या फिर रिवाइव कर रहा था। और जब लास्ट के टाइम पे रिवाइव को जब देखा तब गेम जैसे कि लटक ही गया। और ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं क्योंकि वोडाफोन के सिम है भाई, घर में वाईफाई नहीं लगा के है। चलो भाई इंट्रो दिखा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत देर से वीडियो डाल रहा हूँ तो माफ़ करना, और वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो मैं था राइजॉक, मेरी लूट भी हो चुकी थी। तो ये बंदा तो मुझे दिख चुका था और ये बंदा ऊपर से जंप भी मार रहा था और गलती से एक ही हम पे 2x लगा था, वो भी क्लोज रेंज में, और तभी ही वो बच गया था। और इसका पीछे का बंदा यूजीआई चलाते हुए आ रहा था और बेटा यूजीआई ना चलाओ, कभी कभी आगे वाले बंदे के पास एक ही हम भी होती है। और ये बंदा जैसे गाड़ी लेके आया था ना, मुझे लगा था कि अब तो हम दोनों गए, पर ये बंदा कहीं पर छुप गया था, मिल ही नहीं रहा था। तो फिर आगे जा कर ये मेरे को मिल गया था, तो इसने स्कारेल पकड़ी हुई थी और हम भी कैसे पीछे रहे जबकि हमारे पास एक ही हम है। तो बच्चे मारा ना कर क्योंकि आगे वाला भी प्रो हो सकता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फिर मैं आया यहाँ से सीधा पोचन की, और पोचन की में जब भी आपको बंदे चाहिए हो तो यहाँ पर ही आके देखो, जब भी आओगे तभी एक ना एक फ्रूट पेंट जरूर आएगा और पोचन की कभी नाराज़ नहीं करता। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं वापस ज़रूर जाऊँगा, मुझे खेल चाहिए, तो मैं वापस जाने लगा। और यहाँ पे जो स्टंट है वो तो सीधा गजब का है। तो यहाँ पे मुझे बहुत डैमेज भी हो गया था और मैं यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहा था, तो मुझे लगा कि अगर ये आ गया नीचे तो मेरी कुछ खैर नहीं होने वाली, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया था। तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ चुका था और उसे देखने लग गया था। तो ये भाई ने जिस तरह टीपीपी लेके रखा था, इसका मरना तो तय था। और नीचे से और दो आ ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ही हम बहुत यूज़ कर लिया है, तो चलो अभी स्कारेल भी देख लेते हैं, स्कारेल का भी दम देख ही लेंगे ये क्या कर सकती है।
तो एक बंदे को तो मैंने नॉक कर ही दिया था, और ये दो बंदे जिस तरह आए थे मेरी तो बिल्कुल हालत टाइट हो चुकी थी। पर वो मारने में थोड़ा कमज़ोर थे तो मैं बच चुका था, और मैं AKM का फ्री फायर देते हुए नीचे चले गया था। और ये जब आया तो फिर इसका भी मरना तय था, 14 वाला मुझे मिला नहीं। और फिर इसे घूसे बजाते हुए चलो निकलते हैं यहाँ से। तो पोचन की मैं गाड़ी मिल नहीं रहती, मेरी गाड़ी तो वहाँ पे फंसी हुई थी बिल्कुल, वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यो टूटी फूटी बगी लेके चलो, और फिर निकलने लगा मैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने जब वो बिल्डिंग पे देखा, दो अतरंगी बंदे जम के बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं अभी गोली चला दूँ तो अगर वो गिली सूट वाले के पास आम होगी तो मेरा वो टकला ज़रूर फोड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर रुक गया और वो गिली सूट वाले को अंदर जाने का इंतज़ार किया, और ये तभी ये भी भगने लगा। तो बेटा ऐसे भागा ना करियो, मार खाना तो ज़रूर पक्का है, तो किश्तों में आओगे और किश्तों में जाओगे। और फिर दो नंबर मेरे लिए गाड़ी लेके आ चुका था, ये रैंडम भी बड़े अचानक से आया था, मुझे जैसे कि डर ही लग चुका था। पर इसके बाद यहाँ पे जब बिल्डिंग के अंदर आने के बाद दो बंदे थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ब्रश कर ही देते हैं। तो मैं ऊपर जाने लगा, मैंने पहले सोचा कि एक स्मोक भी डाल देता हूँ, अगर वो यहाँ पे हो गए तो फिर मेरी तो खैर नहीं। तो यहाँ पे मैं स्मोक होने का इंतज़ार करने लगा, मैंने लेफ्ट एंड राइट पूरा चेक कर लिया। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये बंदा खीपी पी ले रहा था, मैंने 6x खोला, पर मेरे मूवमेंट के कारण मेरे हाल लग गए। तो मैंने सोचा कि चलो नीचे जाते हैं रिवाइव के लिए। तो फिर यहाँ पे आने के बाद दो नंबर मुझे यहाँ पर ही मिल गया, अच्छा हुआ ये मेरे साथ नहीं आता, नहीं तो इसके भी अलग जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नाका उठा और ये दो बंदे नीचे ज़रूर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा हुआ, इनमें तो कुछ दम ही नहीं था। फिर इसके बाद मैंने भी सोचा बेटा तुम लोग नहीं आओगे तो हम लोग जाएंगे, हमारे लिए भी बहुत टाइम है, हम भी जोन के अंदर ज़रूर घूमेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद इस घर में भी इनके दो बंदे थे, और मुझे यहाँ से पिक करने के बाद मुझे दिख चुका था। तो बेटा नो रिकॉल 6x तो खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेक करने लगा कि बंदा किधर है, तो मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। मैंने पहले लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल हमेशा की तरह चेक कर लिया, और वो बंदों के लिए एंगल लेने लगा। तो ये बंदा मुझे यहाँ से देखने लगा, ये जम के डिब्बे की ले रहा था, पर इसका गिली सूट वाला तो कुछ काम का ही नहीं था। ये मानता हूँ मैं कि पहला वाला बंदा टीपी पे ले रहा था मुझे मारने के लिए, पर ये दूसरा वाला तो मुझे मार सकता था ना, पर इसकी भी एक गोली नहीं लगी। तो इनको भी हमने आशीर्वाद दिया हमारा, और बेटा खाओ भूसे पैन खाओ और जाओ अपने घर। तो ये बंदा वही था जो कि वो ऊपर बैठा हुआ था, तो हमने भी कहा था हम वापस आएंगे और हम आपको मार के ज़रूर जाएंगे।
तो यहाँ पे एक जन का फुटप्रिंट आ रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहले ही मैं निकल गया था। और इसके बाद इस घर में आने के बाद इसके फुटप्रिंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, तो ये यहाँ से ही मिल गया था। और अफ्रीका किल। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा घूमने लगा, देखने लगा यहाँ पे कोई है तो नहीं, और मेरे को 2 फुट स्टेप आने लगे। तो वो मुझे वो आगे देखा, वो मूली डाल रहा था। तो मैंने यहाँ से 6-6 ओपन करके मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे एपिक सीन है, बहुत खतरनाक वाला। तो इसके लिए तो लाइक बनता है। तो मैंने बम को पुक कर दिया था और उसने भी तभी मौली डाला था। तो मेरे ग्रेनेड से तो वो मर चुका था और उसके मूली से तो मेरा कुछ बाल भी भागा नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं अंदर आया और जब इसने गोली चलाई और जब मेरी फटी, उसके पास बड़ी सी M24 थी। मैंने सोचा कि अभी तो ये नहीं बचेगा। और इसने ये गलती की कि M249 छोड़ के इसने UZI पकड़ के आ गया था। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले ही बोल देता हूँ, पूरा वीडियो देख कर ही जाना और ऊपर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो ना भूलना। कमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट से ही पता लगता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। तो